आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि आखिर क्यों नहीं हुआ राधा कृष्ण का विवाह, क्या वजह थी, किस वजह के कारण नहीं हुआ। तो जानिए, ये थी वजह राधा कृष्ण के विवाह ना होने की। तो सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आखिर क्यों अधूरी रह गई राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। तो आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या थी। तो कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। आज भी उनके अमर प्रेम का उदाहरण लोग देते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी इनका नाम साथ में लिया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, ये किसी को नहीं पता। तो गर्ग संहिता और पुराणों में इसकी वजह बताई गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो सकी राधा कृष्ण की शादी। तो गर्ग संहिता के मुताबिक कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ, जो कोई नहीं बल्कि राधा थी। वो तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर यौवनावस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा जी भी अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। दूसरी मान्यता है कि पुराणों के अनुसार जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने राधा से वादा किया था कि वे लौटकर आएंगे, लेकिन उनकी मुलाकात रुक्मणी से हुई, जो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। जब रुक्मणी का विवाह किसी दूसरे से कराया जा रहा था, तब कृष्ण जी वहां पहुंच गए और उनसे शादी कर ली। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राधा कृष्ण बालपन में मिले थे, तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी और दोनों का प्रेम आध्यात्मिक था, इसलिए वे कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा को रुक्मणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। अब इन कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार ही राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से हो गया था और राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगने लगी थी, इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और एक परछाई अपने घर पर छोड़ दी थी, उसी से गोपा की शादी की गई थी। कृष्ण जी ने रुक्मणी से विवाह इसलिए भी किया था क्योंकि वो जानते थे कि रुक्मणी ही राधा है। दरअसल राधा का ही एक स्वरूप रुक्मणी था। तो ये थी राधा से शादी ना करने की वजह, और शादी ना करके भी क्योंकि रुक्मणी ही राधा थी तो उन्होंने शादी भी कर ली और उनका प्रेम जो था वो अमर रहा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।